हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए है, जो कि अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरे जो चैनल पे चीज़ें बताई जा रही हैं वो सही हैं या गलत हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप बकवास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके सामने सारी चीज़ें तथ्यों के साथ रख रहे हैं हम, और आपको जो है ये समझ में आ भी रहा है, लेकिन आप जानबूझ करके मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक जो है ग्रुपिंग टाइप के जो है काम कर रहे हैं लोग, जैसे कि जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स वाले हैं जो बिहार स्टेट 2019 को जो है बरगला करके रखे हुए हैं, उनको बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो टेटफैक्ट एकेडमी का जो चैनल है वो सक्सेस जो है सही से जो है पा सके। इसी वजह से जो है उन अभ्यर्थियों को बेवकूफ बना के रखा गया है, गुमराह किया जा रहा है। तो आप लोग जो है ये चीज़ें जो है समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बिहार स्टेट 2019 की जो बहाली का जो प्रोसेस है उसमें जो है बहुत सारी जो है जटिलताएं हैं। उसका जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन के आधार पर बहाली का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं किया जा रहा है। हमेशा आप देख रहे हैं कि जब से ये आवेदन लिया गया है ऑनलाइन, जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से ही जो है इसके प्रोसेस में हमेशा कुछ ना कुछ जो है बदलाव जो है लगातार देखने के लिए मिलते रहे हैं। और उसी बदलाव का जो है नतीजा ये रहा कि आपने देखा कि जो है किस प्रकार से जिनकी हाई मेरिट थी वो लोग जो है बाहर हो गए, और जो लो मेरिट थे वो अंदर हो गए। कैटेगरी वाइज किस प्रकार से सीटें बटी हैं इसका भी आज तक पता नहीं चला। नियोजन इकाई वार सीटें क्या हैं इसका भी जो है पता नहीं चल रहा है। आरक्षण की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी जो है बिहार स्टेट 2019 का बिहार शिक्षा मंत्री जो कोई उल्लेख नहीं करते, ना ही सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और इसके अलावा कोई यूट्यूब चैनल ऐसा है भी नहीं जो इसके बारे में कोई जो है सटीक जानकारी दे सके। लोग उसको जो है अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है, ऐसी कोई सटीक जानकारी अभी तक नहीं है। मेरे पास एक कमेंट्स में मतलब दिया हुआ था, एक अभ्यर्थी ने लिख करके बिहार स्टेट 2019 से उन्होंने जो है बीएससीबी बोर्ड से जो है कमेंट्स में जो है ये बताया था कि उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी जो कि जो मेरिट है उसको लेकर के थी, जिसके बारे में जो है कोई डाटा जो है उनके पास अवेलेबल नहीं था, ऐसा आरटीआई में उनको लिख करके दे दिया गया। मैंने उनसे पीडीएफ की कॉपी भी मांगी थी लेकिन उन्होंने अब तक भेजी नहीं है। अगर वो मुझे मिलेगी तो मैं आपको लोड करके वो दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि बिहार शिक्षक बहाली जो ये बिहार स्टेट 2019 चल रही है, ठीक है, ये लगातार जो है घपले और भ्रष्टाचार का जो है ये शिकार हो चुकी है पूरी तरीके से। और इसमें आगे क्या होगा ये बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि अगर बिहार स्टेट 2019 की जो बहाली प्रक्रिया है अगर वो शुरू होती है तो उसकी जो नियोजन प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपने ये नियोजन प्रक्रिया समझ ली तो आपको बिल्कुल हर चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है पहले मैं आपको बता दें कि बिहार स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड लिस्ट में हैं, जो इन द मेरिट लिस्ट हैं, उनका भी सिलेक्शन अब कहीं ना कहीं लटकने वाला है। वो भी जो है जल्दी सेलेक्टेड नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। और 101% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो सिलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट हैं, जो कैंडिडेट जो कह रहे हैं खूब खुश हैं कि उनका जो है सिलेक्शन हो गया है, वो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, तो उनका भी जो है अब संभव नहीं होगा। और जो मेरिट लिस्ट में नहीं है वो फाइट करेंगे, ऐसा नहीं कि वो बाहर नहीं जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वो फाइट करेंगे। वो फाइट करेंगे, वो जो है आवेदन भी देंगे, उनका आवेदन भी लिया जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये कितना जो है संभव है ये मुझे नहीं पता है। क्योंकि इसमें जो है जो मेन चीज़ जो ऐड हो गई है वो ये है कि बिहार स्टेट 2012 के जो अभ्यर्थी जो पास आउट हुए थे वे भी इसमें अब आवेदन करेंगे, ठीक है। तो बिहार स्टेट 2012 के जो अभ्यर्थी जो पास आउट थे जिनकी उम्र बची हुई होगी वो बिल्कुल इसमें आवेदन करेंगे। और इसके अलावा जो 30,000 जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो बहाली चल रही जो ब्लाइंड केस की जो सेलेक्ट की हुई थी उसमें भी जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा वो भी इसमें जो है आवेदन करने वाले हैं। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि इसमें बहुत ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है, और सीटों के सापेक्ष आप देखिएगा कि दुगने तिगुने लोग जो है इसमें आपको दिखाई देंगे विषयवार। अब जो है उसके बाद सबका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये कहना संभव नहीं है। और जो मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी हैं वो भी ये मान के ना चले कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बिहार शिक्षा मंत्री ने ये साफ कहा है कि बिहार स्टेट 2012 के अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनकी भी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम कर दी गई है। परामर्श समिति का जो गठन किया गया है उसने कोई रिपोर्ट अभी दी नहीं है, ना ही वो देगी, और देगी भी तो वो यही होगा कि बिहार स्टेट 2012 इसमें अप्लाई करेगा। इसके अलावा जो लोग बचे हुए होंगे 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक के वो भी जो है इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी ये आप समझ लीजिए। नियोजन की प्रक्रिया बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी जो वर्षों से चली आ रही है, यानी कि 2012 से जो प्रक्रिया नियोजन की चली आ रही है वही सेम प्रक्रिया होगी। कोई ऑनलाइन जो है आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा इसमें, इसमें भी आपसे ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे, नियोजन इकाईवार आवेदन लिए जाएंगे। और एक चीज़ आप ये मान के चलिए कि अभी जो है सीटें पहले डिक्लेयर की जाएंगी, उनको इनकी कैटेगरी डिक्लेयर की जाएगी, किस नियोजन इकाई में कितनी सीटें ये भी डिक्लेयर की जाएगी। आप देखिएगा जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसे ही होगा बिल्कुल। और आप उसी तरीके से जैसे प्राथमिक शिक्षक की बहाली में ऑफलाइन आवेदन करते थे वैसे ही आप झोला अपना जो है झोला डंडा ले लीजिएगा, और झोला लेकर के उसमें फॉर्म भर लीजिएगा, भर के फिलअप करके रख लीजिएगा, और जगह जगह आपको मैनुअली जा करके जो है जमा करना होगा,
और जिसकी इच्छा नहीं होगी जाने की, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो स्पीड पोस्ट कर देगा, ठीक है। तो मतलब आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन ही होगी, वो आवेदन आपसे लिए जाएंगे, आपको हर जगह जाके जो है देना होगा। और ये सीटें जो आपको बताई जा रही हैं इनका भी पूरे डिटेल्स जो है आपको जब आवेदन लिया जाएगा तो बता दी जाएगी। आवेदन लेने के बाद वही प्रोसेस होगा, आपको पावती रसीद मिलेगी, पावती रसीद मिलने के बाद आप अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद औपबंधिक मेधा सूची बनेगी, उस पर फिर आपत्तियों का निराकरण लिया जाएगा। फिर संशोधन करने के साथ ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी आएंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी, ठीक है। वे अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट है वो ये मान के ना चले कि उनको ही नौकरी मिलेगी, ये कोई गारंटी नहीं है, ना ही मिलेगी भी नहीं। ये मेरी तरफ से कंफर्म है 101% है कि जो सिलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट हैं उनको भी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। बाद में आवेदन देने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी एकेडमिक आधार पे, ठीक है, उसमें जो हाईएस्ट मेरिट पे रहेगा उसी को नौकरी मिलेगी। ये बिल्कुल मेरी तरफ से कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल यही होने वाला है। और फिर आपके जो है काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका नियोजन पत्र मिलेगा और आप जो है विद्यालय में योगदान देंगे। यही पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करने वाली है बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, ना कोई नई प्रक्रिया आएगी, ना कोई ऑनलाइन प्रक्रिया आएगी, ऑफलाइन मोड में जैसे बहाली होती है वैसे ही हो गए। और जितने भी लोग एलिजिबल होंगे, चाहे उनका सर्टिफिकेट बिहार स्टेट 2012 का हो और चाहे बिहार स्टेट 2019 का है, सारे के सारे लोग इसमें जो है अप्लीकेशन करने वाले हैं। और पुरानी ही पद्धति के आधार पर इसमें बिहार शिक्षक बहाली 2019 बी एस्टेट की कंप्लीट कराई जाएगी। ये बिल्कुल आप 1001% बिल्कुल मान के चलिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार एस्टेट 2019 की बहाली प्रक्रिया क्या होगी। कैंसिल तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो ये कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगने का मतलब ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि पैसा खाया गया है, तो बेल्ट्रॉन कंपनी के लोग फ़ोन करते हैं। तो उस मैटर से बचने के लिए, यानी कि उस भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए बिहार शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा मंत्री यही काम करेंगे। सारी सीटों का ब्यौरा निकाला जाएगा, नियोजन इकाई वार निकलेगा, विथ रिजर्वेशन निकलेगा, और उसमें आपको जो है हर एक नियोजन इकाई में जाके पुनः, जैसे पहले हम लोग आवेदन करते थे प्राथमिक शिक्षक के लिए या बिहार स्टेट 2012 के उसमें अप्लाई किए थे, चाहे 30,000 में जो अप्लाई किए थे, सेम प्रोसेस रहेगा। आप जाके आवेदन जो है जमा करेंगे, ठीक है, और पूरी प्रक्रिया वही रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहाली तो ये रद्द होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ना ही ये रद्द होगी, ना ही इस पर कोई जांच कमेटी बैठेगी, ना ही कोई इस पर जांच समिति बैठेगी। इसका बिल्कुल एक ही लक्ष्य है, बहाली को कंप्लीट करना। और भ्रष्टाचार का आरोप ये तभी मिटा सकते हैं जब ये इस बहाली को कंप्लीट कर दें, और वो भी ऑफलाइन। और इसमें ये सबको मौका देंगे। सबको मौका देने का मतलब ये होता है कि जो सिलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट है वो तो आवेदन करना ही पड़ेगा उनको दोबारा, जो मेरिट लिस्ट से बाहर है वो भी आवेदन जो है वो करेंगे, ठीक है। और जिनके कट ऑफ नहीं आए, मतलब जो कहते हैं ना कि वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स जिनके नहीं है वो तो आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले के जो लोग क्वालिफाइंग मार्क्स वाले हैं, ठीक है, बिहार स्टेट 2012 के लोग हैं, वो लोग इसमें आवेदन करेंगे। तो क्या होगा कि जब सारे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तो इसमें जिसकी हाई मेरिट होगी वही इसमें सेलेक्टेड होगा। और जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा तो सरकार इस आरोप से बच जाएगी कि पैसा खाया गया है या भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप इन पर अब नहीं लग पाएगा। ये बिल्कुल क्लियर एंड कट बात है। तो उम्मीद है कि सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करिए, कोई बकवास नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट यही होगा और यही होगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।